हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ एक लेकर आई हूँ बहुत बढ़िया सी स्टोरी जिसका नाम है माय बॉय डिड नॉट लाइक मी। इस स्टोरी में हम अपने मेनली दो पर्सन को देखते हैं जिनका अभी हमें नाम नहीं बताया गया है। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पर्सन जो है जो कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलता है और वो दूसरी तरफ अपने फ्रेंड को देख रहा होता है। वो किससे बातें कर रहा होता है और बहुत हंसकर बातें कर रहा होता है, जिसे देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हाँ, और तब जो है उस पर्सन की जो है बातें दूसरे इंसान से ख़त्म हो जाती है और उसे बाय कर देता है। पर उसे जो है ऐसा देख के कि वो इतने अच्छे से दूसरे से बातें कर रहा है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो है वो पर्सन आगे कहता है, हे ये बताओ तुमने क्या क्या सामान खरीदा और तुमने कुछ लिया वहाँ से। तभी जो है वो पूछता अपने फ्रेंड से कि अच्छा ये बताओ वो पर्सन कौन था। तो ये सुन के उसको फ्रेंड थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, वो पर्सन वो तो एक स्ट्रेंजर था, मेरे से खाली डायरेक्शन पूछ रहा था। तो ये सुन के उसके फ्रेंड को गुस्सा आता है और कहता है, अच्छा तो मतलब तुमसे कोई डायरेक्शन पूछेगा तो तुम इतने अच्छे तरीके से स्माइल करके उसको रिप्लाई करोगे, और छोड़ो ना मुझे क्या करना है, हाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी जो है वो उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है, हे रुको मेरे लिए रुको, मैं आ रहा हूँ और हमें अभी यंग का भी तो वेट करना है। तभी वो रास्ते में जा रहे होते हैं और रात हो गई होती है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है। तो वो उससे अपने फ्रेंड से पूछता है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही, हाँ इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो वो कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता। तो ये देख के वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं तो बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहा था कि कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। तभी जो है वो कहता है सेकंड पर्सन कि वैसे भी मुझे किसी ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा ना रहूँ, ना तुमसे मैं ज़्यादा बोलूँ। तो ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं, क्या ऐसा तुम्हें किसने बोला है, और आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है और मेरी लाइफ में भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, हाँ किसने तुम्हारे मेरे बारे में तुम्हें ऐसा बोला है। तो वो कहता है, उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे लगता है पर वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर कौन है ये जिसने तुम्हारे मतलब मेरे बारे में तुम्हें बोला है ये सब, मुझे बताओ तो। और फिर वो सोचता है कि कहीं ये कोई मेरा पुराना लवर तो नहीं है या फिर हो सकता है। तो उसका फ्रेंड कहता है, शायद तुम उसे जानते होगे। तभी जो है वो कहता है कि क्या बात करो, कहीं वो ली तो नहीं है, ली जो है मेरे से ना बहुत ज़्यादा जलता है तो हो सकता है इसलिए उसने तुम्हारे मेरे बारे में तुमसे कुछ बोला हो। कहते नहीं, तो उसका फ्रेंड कहता है, नहीं वो ली नहीं है। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे पता है तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हो, पर अगर तुम मुझे उस पर्सन के बारे में बता दोगे तो मैं उससे जो है सारी चीज़ें बातें करके सेटल करके कुछ अमाउंट दे के सारी चीज़ों को ठीक कर दूँगा, ठीक है। तो वो ऐसे बोल रहा था ना तो उसको थोड़ी ठंडी सी लग रही थी। तभी उसका फ्रेंड जो अपना जैकेट निकालता है और उसको पहना देता है और कहता है, अच्छा ठीक है तुम स्टूपिड हो बिल्कुल, ये सब छोड़ो और ये उसको पहन के रखो, वैसे भी तुम्हें ठंडी लग जाएगी, ठीक है ठंडी लग रही है तुम्हें। पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, एटलीस्ट मुझे उसका नाम बताओ कौन है, मैं क्या उसे जानता हूँ, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर सिचुएशन क्या है। तो वो कहता है कि वो जो है ली फू का कज़न है। तो ये कहता है, ये कौन इंसान है, मैं क्या उसको जानता हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है, हाँ तुम इस इंसान से डेटिंग ऐप पे मिले थे। तभी उसका फ्रेंड कहता है, अच्छा पर उसके पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर कैसा आया। तो वो उसका फ्रेंड कहता है, हो सकता है किसी के पास से उसे मिल गया। तो वो कहता है, पर तुम क्यों परेशान हो रहे हो, वो खाली तुम्हें जो है परेशानी में डालने के लिए ये सब बातें बोल रहा है, तुम उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दो। तो उसका फ्रेंड कहता है, फिर तुम जो है अपनी ब्लेम जो है दूसरों पर डाल रहे हो। तो वो उसका फ्रेंड कहता है, मुझे पता है तुम मेरी बातों को नहीं समझोगे, लेकिन फिर भी एक बार मेरी बात तो सुनो। सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो अपने घर पर होता है और किसी से कॉल पर अपने फ्रेंड से बात कर रहा है और वो कहता है कि क्या तुमने लीफू को कहीं देखा है। तो वो कहता है कि नहीं यार, वो मेरी शादी में भी नहीं आया। हाँ, और तभी वो पर्सन जो है वो कहता है कि हाँ एक बार उसने भी मेरे को कॉल किया था पर उसके बाद से वो कुछ दिखा ही नहीं, कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तभी उसका फ्रेंड जैसे वो कॉल पे बात करता है, वो कहता है कि हाँ उसी के साथ मैंने एक इंसान को देखा था, और जहाँ तक मैंने ये भी देखा था कि जो गु चांग है उसने लीफू को कहा था कि क्या तुम शादी करना चाह रहे हो, हाँ या शादी करने की चाह है तुम्हारे अंदर। तो ये सुनते ही जो है लीफू जो है उसको डीपली थोड़ा हर्ट हुआ था और वो उसी दिन के बाद से गर्लफ्रेंड की तलाश में था। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन जिसमें जो है गु चांग है वो ली को वो धक्का देता है। तो ली जो है लीफू जो है वो कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, भागते हुए आए और ऊपर से मुझे दीवार की तरफ धक्का दे रहे हो। तो गु चांग कहता है कि मुझे लगा कहीं तुम मेरे से भाग ना रहे हो, कहीं मेरे से छुप ना जाओ मुझे देखते ही इस वजह से। तभी जो है लीफू जो है वो गु चांग से कहता है कि मैं तुमसे भला क्यों छुपूंगा, और वैसे भी ये तुम्हारा बहुत अच्छा तरीका किसी से अपोलोजाइज माफ़ी मांगने का, हाँ
और वैसे भी छोड़ो, तभी जो है जो गु चियांग है वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि उस दिन मैं वेडिंग वाले दिन मैं बीमार था, तो तुम भी वेडिंग में नहीं जाओगे, और मुझे नहीं पता था कि अंकल ने तुम्हें जो है कॉल किया है और तुम और अंकल जो है मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। तो लिपू जो है वो कहता है कि गलतफहमी में हो, तुम्हारी वजह से मैं वेडिंग में नहीं पहुंचा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जो वहाँ के कम्युनिटी वाले अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, दैट्स वाई। तभी जो है जो लिपू है वो गु चियांग को देखता है और मन में सोचता है कि ये जो गु चियांग है पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, और पहले मैं इससे हाइट में भी लंबा था और अब देखो ये मेरे से कितना ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और जब मुझे याद है फर्स्ट टाइम जो है गु चियांग हमारे घर आया था तो ये बिल्कुल एक गर्ल की तरह लगता था, जब वो ये अपनी मॉम के साथ आया था तभी जो है। और वैसे भी ये गु चियांग जो है ये बहुत सीधा नहीं है, बहुत ही अनोइंग है, अगर मैं इसकी कोई भी बात नहीं सुनता था तो ये डैड को बुला के लेकर आता था कि डैड मुझे डांटे और मुझे सबक सिखा सके। और मुझे समझ नहीं आता, मैं एक मैन हूँ, मुझे स्ट्रांग की तरह रहना चाहिए, एक स्ट्रांग मैन की तरह, और मुझे समझ नहीं आता गु चियांग ने मुझे ये मना क्यों किया कि मुझे जो है कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए। एटलीस्ट अगर गु चियांग को मेरे से कुछ चाहिए तो उसे मेरे से रिस्पेक्टफुली ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए, जो भी हो एटलीस्ट हम जैसे भी हैं पर हम ब्रदर तो हैं। तभी जो ये सब सुनता है, तभी जो पीछे से गु चियांग कहता है कि क्या तुमने कुछ बोला, तो ये सुनते ही जो है लूफू थोड़ा सा घबरा सा जाता है और कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी जो है जो लिफू है वो कहता है अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हारी माफ़ी हो गई, तुमने मांग ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो लिफू मन में सोचते हैं कि मैंने जो है इसे कभी बताया नहीं कि मैं किधर रहता हूँ, तो इसे आखिर मेरे घर के बारे में पता कैसे चला। तभी जो है गु चियांग कहता है कि मैं वैसे कुछ सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। तो ये सुनते जो है लूफू थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरे से क्या बोलना है। तभी जो है गु चियांग कहता है कि एक्चुअली मुझे जो है यहाँ पे अंकल ने भेजा है, उनने बोला है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ रह सकूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैं वापस घर जाऊँ तो तुम ये पर बात कर सकते हो। तो ये सुन के जो है लिपू कुछ नहीं बोलता है और अंदर जाता है और कहता है कि मेरे घर में खाली चप्पल जो है पहनने के लिए एक ही है, तो क्या तुम मेरे पहन सकते हो। तो ये सुन के जो है गु चियांग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और क्या कहते हैं कि क्या सच्ची में तुम्हारे पहनने को मेरे को मिलेगा, और वो थोड़ा बहुत ही खुश देखता है। पर ये देख के जो लिफू है उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, और फिर उसे वो चप्पल देके अंदर जा रहा होता है और गु चियांग भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी जो है लिफू कहता है कि अगर तुम आके तुम मुझे बताओगे कि आके तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी जो है गु चियांग कहता है कि अंकल कह रहे थे कि रिसेंटली तुम यहाँ पे घर पे जो है आ नहीं रहे। तभी ये सुन के लिफू कहता है कि अच्छा जैसे तो तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर मैं घर क्यों नहीं आ रहा हूँ। तभी जो है गु चियांग कहता है कि क्या रिसेंटली तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो क्या। तो ये सुन के जो है जो लिफू है वो कहता है मन में सोचता है कि हाँ आजकल मैं लड़कियों को देख रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छी होती है पर बाद में उन्हें पता नहीं क्या हो जाता, और ये सब जो है गु चियांग तुम्हारी वजह से है, हाँ और तुम्हारी वजह से मैं लड़कियों से मिल रहा हूँ ताकि तुम जो है मेरा पीछा छोड़ दो। और मन में सोचता है कि यही सही टाइम है कि मैं गु चियांग को बोल दूँ कि मैं एक स्ट्रेट पर्सन हूँ और तुम्हारे साथ मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। और हंसते हुए जो है वो जो लिफू है वो गु चियांग को कहता है कि देखो अब तुम्हारी जो एज भी हो गई है, ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें जो है अपने कॉलेज में कुछ अच्छी लड़कियों से मिलना चाहिए। तो ये सुन के जो गु चियांग जो है वो कहता है कि आखिर कौन सी लड़की जिसके साथ तुम डेट करते हो। ये सुन के लिफू कहता है कि तुम्हें बड़ी इस चीज़ की इच्छा हो रही कि आखिर मैं कौन सी लड़की के साथ डेट करूँ, और वैसे भी तुम उससे मिल नहीं पाओगे, वो यहाँ पे है नहीं। और जो है लिफू मन में सोचता है कि गु चियांग के मन में बहुत सारी बातें हैं और उसको ये नहीं पता चल रहा कि वो कितना ज़्यादा अनोइंग है। तभी जो है लिफू गु चियांग की तरफ देखता है और देखता है कि गु चियांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और बस वो जो है लिफू को देखे जा रहा है। तो लिफू जो है वहाँ से अपने रूम में जा रहा होता है, तो गु चियांग मन में सोचता है कि आखिर लिफू करना क्या चाह रहा है। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू, बाय।